शाबान की 29 तारीख को बादल की वजह से अगर हिलाल न दिखाई दे तो क्या करें? अगर 29 तारीख को 29 को चांद देखना चाहिए, अगर दिख गया तो अगले दिन रमजान, अगले दिन रोजा रखेंगे, और अगर चांद दिखाई नहीं देता है तो क्या करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोमो लिरुयतिही व अफ्तिरु लिरुयतिही, चांद हिलाल देखकर रोजा रखना शुरू करो और हिलाल देखकर इफ्तार करो, यानी पूरे रमजान का इफ्तार करो। ये नहीं कि आदमी रोजाना इफ्तार के लिए चांद देखने तक रुके, यहाँ अफ्तिरु का मतलब है पूरे महीने का इफ्तार, यानी पूरे महीने का रोजा का सिलसिला खत्म। तो चांद देखकर रोजे रखना शुरू करो और चांद देखकर रोजे रखने का सिलसिला खत्म करो। फइन गुब्बी अलैकुम फअकमिलू इद्दत शअबान 30, फइन गुब्बी अलैकुम, अगर आसमान में गुबार की वजह से, या मुस्लिम के अल्फाज है गुम्मी अलैकुम, बादल छाने की वजह से अगर तुमको चांद दिखाई न दे, अगर चांद दिखाई नहीं देता है आसमान में गुबार की वजह से या बादल की वजह से, बारिश वगैरह का मौसम है, ऐसे मौसम में अगर चांद दिखाई न दे तो क्या करें? आपने फरमाया फअकमिलु इद्दत शअबान 30, तो तुम शाबान के महीने के 30 दिनों की गिनती पूरी करो। यानी चांद दिखने में अगर शक हो, नहीं दिखा चांद, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? 30 दिन शाबान के मुकम्मल करना चाहिए, एहतियाती रोजा नहीं रख सकते हैं। इसको इमाम अल बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो 29 को चांद दिखाई न दे तो 30 की गिनती पूरी करें, ये यानी इस मसले में हुक्म है कि अगर शक हो दिखा कि नहीं दिखा तो ऐसी सूरत में एहतियाती तौर पर रोजा नहीं रख सकते हैं, बल्कि 30 दिन शाबान के पूरे करने चाहिए। मालूम रमजान शुरू नहीं हो सकता है जब तक कि चांद न दिखे या 30 दिन पूरे ना हो।